कुछ फिल्में ऐसी होती है जो अपनी रिलीज से पहले ही काफी पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी होती है। ऐसी फिल्में अक्सर रिलीज के बाद सुपर हिट साबित होती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती है जो अच्छी होने के बावजूद भी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब्ड नहीं कर पाती, बिकॉज इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स के थ्रू उतना खास अप्रिसिएशन नहीं मिलता, एंड पीपल फेल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सच फिल्म्स, और इसी वजह से ऐसी फिल्में लाइमलाइट में नहीं आ पाती, एंड दैट्स व्हाई ये अंडररेटेड कैटेगरी में आ जाती है। तो मैं आपके लिए ऐसी ही टॉप 5 अंडररेटेड मास्टरपीस मूवीज की लिस्ट लेके आया हूँ, द मूवीज विच वेर नॉट अप्रिशिएटेड दैट मच बाय द ऑडियंस। सो नंबर 5 पे है सेकंड हैंड लायंस। ये 2003 की एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे टीम मिकेनलिस द्वारा लिखा और डायरेक्ट किया गया है। ये मूवी हमें एक इंट्रोवर्टेड लड़के की कहानी बताती है जिसे टेक्सास के खेत में अपने सन की चाचाओं के साथ रहने के लिए भेजा जाता है, और इसी के अराउंड इसकी स्टोरी रिवॉल्व करती है। नंबर 4 मसान। ये 2015 की एक इंडियन फिल्म है जिसको नीरज घेवन ने डायरेक्ट किया है। इसमें हमें विक्की कौशल एज लीड रोल देखने को मिलते हैं। ये फिल्म हमें एक साथ दो कहानियां दिखाती है, एक देवी और दूसरी दीपक की। इन दोनों की ही जिंदगी में ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी टुकड़ों में बिखर जाती है। ये एक डार्क कॉम्प्लेक्स हार्ड हिटिंग फिल्म है जो आम इंसान के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये मूवी लाइफ के डेलिकेट इश्यूज को छूती है। तो अब नंबर 3 पे है मेमोरीज। सो ये एक जापानीज एनिमे फिल्म है जिसके क्रिएटर है कैत्सुरो ओतोमो। ये एक साइंस फिक्शन एंथोलॉजी है जो हमारे सामने 3 कहानियां रखती है, एक मैग्नेटिक रोज, दूसरी स्टिंक बॉम्ब और तीसरी कैनन फाडर। पहली कहानी स्पेस के एक रेस्क्यू मिशन की है जो पूरी तरह से गलत हो जाता है। दूसरी कहानी एक साइंटिफिक वर्कर की है जो नींद से जागता है और उसे एकदम से पता लगता है कि उसके सारे कलीग्स मर चुके हैं। और तीसरी कहानी बिजार वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी की है जो एक अननोन एनिमी के साथ वॉर में है और उनकी लाइफ कॉन्स्टेंटली कैनन्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। सो मेमोरीज ये एक बहुत ही ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग मूवी है, इसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। नंबर 2, टू लिव एंड डाई इन एले। ये 1985 की एक अमेरिकन एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट और को रिटन किया है विलियम फ्रेटकिन ने। ये दो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में है जिसमें से एक एजेंट मास्टर्स के हाथों मारा जाता है और दूसरा अपने उस दोस्त को खोने के गम में उसका बदला लेने की कसम खा लेता है। अब इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको खुद ये मूवी देखनी होगी। सो नंबर 1, द प्रेस्टीज। ये एक मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है। इसमें हमें ह्यूज जैकमैन, स्कारलेट जोहानसन, क्रिश्चियन बेल जैसे बेहतरीन एक्टर्स देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट या प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ये 1800s के लंदन में सेट है जिसमें हमें दो मैजिशियंस की कहानी देखने को मिलती है जो कि पहले एक दूसरे के दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स के चलते वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और इनके यही कॉन्फ्लिक्ट और एक्शंस की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये इसी के बारे में है। इसमें हमें मैजिक ट्रिक्स के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, साथ ही इसमें काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं। ये क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है, इसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए।